Hello and welcome, my dear students. Today we are going to see one of the basic difference between the marketing and sales. So students, if we'll clarify the meaning of this topic, marketing is an identification of the needs of consumers. Marketing se hum identify kar sakte ki consumers ki kya need hai through the process of creating profit. क्योंकि प्रॉफिट हर एक बिजनेस के सेंटर में होता है, तो इसीलिए जब भी हम मार्केटिंग की एक्टिविटीज को करेंगे तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंज्यूमर्स की क्या नीड्स हैं और उनसे हम प्रॉफिट भी क्रिएट कर सकते हैं एंड एज वेल एज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केटिंग एक ऑल इन वन प्रोसेस है कि जिसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉफिट करेंगे एंड एट लास्ट इन सबसे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. अगर सेलिंग की एक्टिविटी को हम देखें तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर मनी इज नोन एज सेलिंग, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना इन रिटर्न ऑफ द मनी, इसे हम बोलते हैं सेलिंग करना. सेलिंग एक्टिविटी इज वेरी सिंपल. वेन एवर एनी शॉपकीपर और प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर वॉट एवर ही और शी इज मैन्युफैक्चरिंग इज ओनली बिकॉज to sell the products, and that activity entirely is based on the profit, and that is known as the selling of the company. Ab agar iska hum area of scope dekhe to the area of work is very wide. Iska jo area of work hota hai marketing ka, wo bahut hi wide hota hai, bahut hi bada ya vishal hota hai, which includes understanding the requirement of the consumer, ki jiske andar ye include karta hai कि कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग को समझना, द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, डेवलप द न्यू प्रोडक्ट्स बनाना एंड इन सबसे ज़्यादा डिटरमाइनिंग प्राइस एंड प्रोवाइड आफ्टर द सेल्स सर्विस. यानी कि इसके जो एक्टिविटी है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कंज्यूमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसके मुताबिक हम प्रोडक्ट्स को बनाएंगे और फिर हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे एंड प्राइस डिटरमाइन करने के बाद में एट लास्ट हम उन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग प्रोसेस एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज ऑल इन वन प्रोसेस. वेयर एज द सेलिंग एक्टिविटी इज कंसर्न्ड, द एरिया ऑफ वर्क इज लिमिटेड. सेलिंग एक्टिविटी का जो एरिया ऑफ वर्क होता है वो लिमिटेड होता है, विच इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जिसके अंदर हम ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर पार्टी. लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई एम द शॉपकीपर ऑफ एनी प्रोडक्ट, इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, आई विल ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ द मनी टू माय कस्टमर. सो दिस इज सिंपली नोन एज द सेलिंग एक्टिविटी एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली टू पार्टीज आर इंक्लूडेड इन द सेलिंग एक्टिविटी. दैट एक्टिविटी कैन बी नोन एज द लिमिटेड एक्टिविटी and in which we are doing commonly and regularly one kind of the activity, that is we are transferring the ownership from the seller to the consumer, is known as the selling activity. If the objective is concerned, ki kya maksad hota hai marketing ka, earning profit through consumer satisfaction. Marketing ka yahi maksad hota hai, objective hota hai, profit earn karna, iske saath saath mein customer ko satisfy karna. The earning profit by selling products and the services, because in that selling activity only one kind of objective it is there, ki products ko hume sell karna hai aur profit karna hai. Whether it is profit or it is reasonable profit or normal profit etc., whatever it may be concerned, only earning profit by selling products and services is the prime objective of the selling. The parties are concerned, so in the marketing, suppliers of product, middlemen involved in sale distribution, consumers are the parties involved in the marketing. Marketing process ke andar jo suppliers hote hai product ke, suppliers are divided into many parts, like middlemen are there, wholesaler, retailer, dealer etc. These are the supplier of product. Middlemen which are involved in the selling activities, again middlemen are those persons who are the agent, merchant etc. kind of the activities, or the parties, consumers. These all are involved in the marketing process because iska jo scope hai wo bahut hi wide hai, bahut hi bada scope hai. Whereas the selling activity is concerned, buyers and sellers are the parties involved. Selling activity ke andar only two parties are involved. First, who is buying the product is known as the buyer, and who is selling the product is the seller. So these two parties
can always constitute the parties which are involved in the selling activity. Now let's discuss about the beginning and end of both the processes. Marketing process begins with the marketing research. Marketing ki jo process hoti hai, wo start hoti hai market ko research karne se, and goes till after the sales service. Aur ye tab tak continue hoti hai jab tak sales service hum provide nahi karte hai. Product ko sells karne ke baad mein uske related jo services hoti hai, wo bhi sab kuch include ho jata hai marketing process ke andar. Whereas the selling activity is concerned, sales starts after the production and ends with providing goods or service to the consumer. Sales hamara jo start hota hai, it starts always with the production and ends with providing goods. Ki ye end ho jata hai goods provide karne par ya services dene par jab hum consumers ko service dete hain. These are both the starting and the end activities of marketing and the selling activities. Now the last is need for the capital. कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड एक्टिविटी. इट इज बट ऑब्वियस वी विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द मार्केटिंग एक्टिविटी. सेलिंग इज अ लिमिटेड एक्टिविटी, इट ऑलवेज रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कम्पेयर टू द मार्केटिंग. सो स्टोरिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को स्टोर करना इन गोडाउन्स, टू डू द ग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रिक्वायर्स कंसिडरेबल वर्किंग कैपिटल. यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी मार्केटिंग के अंदर, बिकॉज इट इज अ वेरी वाइड स्कोप एक्टिविटी. ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, सेलिंग का जो ऑपरेशन है, इट इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ द ऑपरेशन. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू द मार्केटिंग इन सेल्स, इट इज लेस. द लास्ट एंड सेवंथ वन इज डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट्स, कि एफर्ट्स हम कौन से डायरेक्शन में करते हैं. सो एफर्ट्स आर मेड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर. ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं कि जिनके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली, एंड मेकिंग देम रीचेबल टू द कंज्यूमर. और ऐसे ही एफर्ट्स होंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हमने मैन्युफैक्चर की है वो रीचेबल हो अप टू द कंज्यूमर्स. दिस इज द activity or efforts which we are doing regularly in the marketing. The next is the selling. So making efforts towards preparing consumers. Aise efforts hum karenge ki hum hamare consumers ko prepare kare, ready kare to accept the existing product. What every company is doing in the selling activity is they are continuously promoting the products to increase their sales to earn the large amount of the profit. So this is the difference between both the marketing and the selling activity. Thank you for watching the video, students. Have a nice day.